हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर GT5 गेम प्ले। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज़, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई एक ना कंसेप्ट कार खरीदने के लिए। तो गाइज़, एक ना बहुत अच्छी डील मुझे मिली है। तो गाइज़, वो डील जो मेरे को दिए वो मेरे को टेक्नो गेमर भाई ने दिए, और आप सभी को पता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और गाइज़, आपको ये भी पता है कि अभी अभी टेक्नो गेमर ने एक न्यू शोरूम खोला है अपने घर पर ही। तो गाइज़, हम जाने वाले टेक्नो गेमर के शोरूम पर, और वहाँ पर एक कंसेप्ट कार है जो उसने मुझे फोटोज़ और वीडियोज़ भेजी है। और गाइज़, बहुत अच्छी डील बंदा मेरे को दे रहा है भाई। मैंने ना हर एक शोरूम पर पता कर लिया गाइज़, वो कार कहीं मिली नहीं थी। और एक तो गाइज उसका लुक बहुत अच्छा, और भाई साहब डील बहुत अच्छी है, मतलब पैसे बहुत लग रहे हैं कम, और गाइज बहुत अच्छी कार मिल रही है, कंसेप्ट कार। तो गाइज, अगर आपको भी कोई कार लेनी है तो आप टेक्नो गेमर भाई के शोरूम पे जाओ, बहुत अच्छी अच्छी कार बाइक्स है। तो गाइज, मैं जाने वाला हूँ आज टेक्नो गेमर के शोरूम पे। तो गाइज, आज मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी बाइक है उनके शोरूम पे खड़ी है और कौन कौन सी कार है। तो गाइज, सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ किसी शोरूम में गाइज, क्योंकि ना मुझे ना पहले एक ना सूट लेना अच्छा सा गाइज, क्योंकि आज हम टेक्नो गेमर भाई के शोरूम में जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो यार, कम से कम एक सूट तो चाहिए अच्छा सा। तो गाइज, मैंने लोकेशन मार्क कर दिया मैप के अंदर का। तो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप वीडियो लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, और मैं तो आपको मिलता रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और भाई, बहुत अच्छी कार है, कंसेप्ट कार है गाइज। और ना वो जो कंपनी है ना कार की, वो मर्सिडीज़ ब्रांड है। और गाइज, आपको पता है कि जो मर्सिडीज़ है वो कितनी अच्छी कार बनाती है। तो गाइज, वो एक कंसेप्ट कार है, मतलब अगर आप उसकी लुक देखोगे ना, और ऐसे तो आपने थोड़ा सा लुक अगर देख ही लिया होगा जो मैंने फोटोज़ लगाई है थंबनेल में, तो उससे आपको मालूम हो गया होगा कि किस हिसाब की कार है भाई। और गाइज, हम ना उसकी ना टॉप स्पीड भी इसी वीडियो में करने वाले हैं चेक, तो आप वीडियो को एंड तक देखो भाई, टॉप स्पीड भी आपको मालूम होने वाली है। तो भाई, मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में अभी कि उस कार की टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। तो देखते हैं गाइज़। तो भाई, फटाफट गाइज़ चैनल सब्सक्राइब करो, और रेड लाइट ग्रीन हो गई है, जल्दी निकलो। ठीक है भैया, तो हम जाने वाले हैं एक सूट के शोरूम पे। पहले तो मुझे एक ना पूरा सूट लेना पड़ेगा गाइज़, अच्छा सा, बहुत अच्छा सा सूट चाहिए मेरे को। अरे भाई 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 भाई, यहाँ से नहीं मुड़ना यार, मेरे को थोड़े से ना रास्ते के ना दिक्कत है अभी भी, है ना लॉस सैंटोस के, मतलब रोड मुझे ना सही से पहचाने नहीं है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट अंदर होते हैं और सीधा से ले लेते हैं। ओए भाई भाई भाई, बच गया बच गया, एक्सीडेंट हो जाता है तगड़ा। अरे भाई 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 भाई, रेड लाइट है मुझे पता है, लेकिन भाई मैं रुक नहीं सकता गाइस, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है टेक्नो गेमर के शोरूम में। तो वो कहाँ पर है? अरे यार, रॉन्ग ले लिया, 1 मिनट, इस साइड है, आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा यार। टैन एन, हट जाओ भाई, हट जाओ। फ्रैंकलिन आज सूट परचेस करने आया। तो गाइज, पता नहीं मैं कैसी डेंजरस वाली ड्राइविंग कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे पार्किंग लगाओ कार की, फटाफट निकलते हैं गाइज। देख रहे हो, मैं उठ के आ गया बनियान में, सो के उठ के आ गया हूँ बस मुँह धो के। तो फटाफट गाइज, मैं कर ना अभी ना पूरी बात हो गई टेक्नो गेमर से, पूरी डील फाइनल हो गई है। तो फटाफट गाइज, एक सूट परचेस करते हैं। अरे चुप रहे यार, दुकानदार नहीं, चुप रहे तू, मेरे सूट लेने दे बस चुपचाप। तो फटाफट गाइज, अच्छा सा सूट। तो गाइज, मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा सूट मेरे को परचेस करना चाहिए। गाइज, ये वाला बताओ, मतलब बहुत बकवास लग रहा है चेक्स। तो ये भी ब्लैक तो बहुत बकवास, ये भी नहीं, ब्लू भी नहीं, ये ब्लू थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना। ओहो नहीं भाई नहीं, हम आज एक मर्सिडीज़ की कॉन्सेप्ट कार परचेस करने जा रहे हैं भाई, ग्रीन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे कोई सूट ही नहीं इनके पास अच्छा सा यार। तो ये वाला कर लेते हैं फाइनल, कहाँ गया, हाँ ये वाला, ठीक है। तो सूट फाइनल कर लिया हमने, चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, फटाफट चलते हैं टेक्नो गेम भाई के शोरूम पर। और गाइस, बहुत अच्छा शोरूम है, जैसे कि आपने देखा ही होगा उनके वीडियो में। भाई साहब, आज जाने वाले हम उसके शोरूम में, और भाई आज ना उस कार के हम टॉप स्पीड भी चेक करने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, एक सूट अच्छा सा परचेस करके। अरे भाई रुक जा, मेरे को जान दे पहले, बहुत ज़्यादा जल्दी है मेरे को भाई। ओहो, इतना क्लोज है मतलब, है ना। तो गाइस, ये देखो, ये आ गया है टेक्नो गेमर भाई का घर, देख रहे हो, यहाँ पर घर है गाइस, गेट ओपन है, लेकिन हमें अभी इनके घर पर नहीं जाना, हम इसके पीछे शोरूम जो है उन्होंने जो खोला है वहाँ जाएंगे गाइस। तो फटाफट यहाँ से, अब रेड लाइट कितनी होती है यहाँ पे लॉस सैंटोस के अंदर। अरे यार भाई, इंडिकेटर नहीं मेरे पास, रुक जाना भाई। तो गाइस देखो, ये रहा शोरूम। ओ भाई साहब, अरे यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है टेक्नो गेमर भाई। अरे क्या हो गया? ओ भाई साहब, बंदा खड़ा हुआ है। और भाई क्या हाल है टेक्नो गेमर? चलो भाई। तो गाइस, बंदा खुद मेरे लिए मतलब यहाँ खड़ा हुआ है, मुझे खुद कार दिखाएगा, खुद बाइक दिखाएगा। चल भाई अंदर चलते, अच्छा, और सॉरी, अच्छा कोई नो प्रॉब्लम ब्रो, जल्दी आजा। तो गाइस, टेक्नो गेमर हमारा वेलकम किया यहाँ पे तगड़ा। और गाइस देख रहे हो, ये इसका शोरूम है भाई साहब, तगड़ा शोरूम है। और भाई आजा, कहाँ गया यार? ओ भाई कहाँ गया टेक्नो गेमर, ये पीछे क्या कर रहा है भाई, कहाँ चला गए? ओ भाई आवाज़ तो आ रही है उसकी, लेकिन बंदा कहाँ है दिख नहीं रहा यार, इनविजिबल तो नहीं हो गया? ओ हद हो गई यार, चल थोड़ा आगे चल। तो गाइस देखो, यहाँ पे कितनी सारी बाइक है भाई, क्या शोरूम बना रखा है, क्या बना रखा है भाई तगड़ा, मतलब पता नहीं कितना अमीर हो रहा है ये, मतलब बहुत पैसे आ गए इसके पास भाई। गाइस ये देखो भाई, ये है उसकी
ओ भाई बाइक तो गाइज ये सबसे महंगी बाइक होगी आई थिंक, मेरे को लग रहा है। ओ भाई साहब हाईटेक बाइक है भाई। तो गाइज देखिए ये देखो, ओह ये वाली सही लग रही है ना, ये वाली हम ले सकते हैं गाइज। देख रहे हो भाई बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफाई किए हैं बाइक पे इसने टेक्नो के मेरे भाई ने। तो गाइज़ वीडियो लाइक कर दो यार, टेक्नो भाई के शोरूम में आ गए हम चुके। तो भाई वीडियो लाइक करो फटाफट। गाइज़ ये देखो भाई हवा में चलने वाली बाइक, ओह ये वाली भी मस्त लग रही है। ओहो और गाइज मतलब ना यहाँ पे देखो भाई कितने सारे बाइक को ना इसने मॉडिफाई करवाया है ना, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई साहब गाइज़ यहाँ पे बहुत सारी बाइक है। और गाइज़ ये देखो यहाँ पे हायाबूसा भी है यार, देख रहे हो ये ब्लू वाली तो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब रियल लग रही है वाली हायाबूसा ना। मैं आपको क्लोज भी दिखाता हूँ 1 मिनट गाइज़। ये देखो भाई सॉब भाई रियल हायाबूसा है गाइज़ देखो। और गाइज़ यहाँ पे ना तीन तीन स्टाइल की हायाबूसा है, एक में ना जो व्हील है एक में बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है, तो ये भी बहुत अच्छी है। तो हम सोच रहे हैं एक ना वो भी ले ले कार के साथ ना, कुछ उठा ले हायाबूसा टाइप बाइक। लेकिन देखते हैं गाइज़ मेरे को बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि मेरे को कौन सी लेनी चाहिए बाइक यहाँ से, या फिर कोई इंडिया की इंपोर्ट करनी चाहिए गाइज़। लेकिन ना यहाँ पे ना कोई इंडिया की बाइक है नहीं ना। ओह एक है यहाँ पे, ये देखो गाइज़ ये अपाची अपाची है यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ पे ना कोई KTM वेटीएम नहीं है। और गाइज़ मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। और भाई ये भी बहुत अच्छी है देखो, ओ भाई USA का पूरा फ्लैग का वो भाई क्या हुआ इस पर। ओ गाइज़ यहाँ पे स्कूटी भी है कुछ, देख लो तीन स्कूटी है यहाँ पे, स्कूटी बोल सकते हो स्कूटर बोल सकते हो गाइज़। मेरे ख्याल से ये वाली स्कूटी है और ये दो और ये दोनों स्कूटर, लेकिन स्कूटी लग रही है भाई। तो भाई बंदे के पास ना बहुत मतलब हर टाइप की वो है बाइक, मतलब स्कूटी भी है, ड्रोन मतलब पूरा वो बाइक भी है, हाईटेक बाइक भी है, सब कुछ है मस्त भाई। चीज़ बहुत अच्छा किया हुआ है इसने। और भाई ये कैसी ये क्या चीज़ है बीच में, देख रहे हो गाइज़। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई मैं एक बार ना इसके ऊपर ना बैठ के देखता हूँ यार क्या चीज़ है भाई, हम भी देखें। ओ तेरी ये क्या चीज़ है ये, ओ भाई साहब, ओ भाई क्या है टेक्नो भाई ये भाई। तीन पहिए वाली है और इसका आगे वाला पहिया देखो कितना आगे है। ओ भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन भाई कुछ भी कहो भाई अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है तो तगड़ा। तो गाइज हम जाने वाले लेने अपनी कार, कंसेप्ट कार जो कि मैंने आपको बोली है जैसे मर्सिडीज़ ब्रांड की है भाई, बहुत ही मस्त। तो चलते हैं फटाफट शोरूम के ऊपर, इधर से चलो या सीढ़ी से चलो, इधर से चलते हैं यार क्या दिक्कत है। और गाइज जो इनका फर्स्ट फ्लोर है वो सिर्फ वहाँ पे खड़ी है बाइक्स, और गाइज जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे खड़ी है कुछ कार्स। तो कार्स हम देख ले तो गाइज यहाँ पे ना नॉर्मल कार है, लेकिन जो मॉडिफाई इन्होंने करवाया ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई इसकी जो मुझे कलर कॉम्बिनेशन है ना कुछ ज़्यादा ही अलग लगी, मतलब क्लासिक क्लासिक है गाइज़ देखो कितना मतलब भाई क्रोम यूज़ किया हुआ है कलर इसमें, मस्त लग रहा है ये वाला। ठीक है तो गाइज़ यहाँ पे हमने सारी कार्स देख ली, नॉर्मल कार खड़ी है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मेरी जो कार है कंसेप्ट कार वो ना थर्ड फ्लोर पे, तो चलते हैं एक बार। तो गाइज़ यहाँ पे और भी बहुत सारी कार है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लैक ब्लैक सारी है यहाँ पर। तो फटाफट हम चलते तीसरे फ्लोर पर, तो हम जाने वाले हैं सीढ़ी से इस बार। तो भाई साहब शोरूम बहुत अच्छा है इसका, और मतलब बंदे ने मतलब सीढ़ी भी रखी हुई है कि जो बंदे मतलब सीढ़ी से आ सके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज़ यहाँ पे देखो अब मैं आ चुका हूँ इसके शोरूम के तीसरे फ्लोर पर, और भाई यहाँ पे पेड़ भी आ चुका है अंदर मतलब, ठीक है। तो पेड़ को उसने बिल्कुल नहीं कटवाए, सबसे अच्छी बात है। और गाइज़ यहाँ पर ना तीसरे फ्लोर पर कुछ ही कार रखे गाइज़, बहुत ही बस तीन कार रखे, जो कि गाइज़ बहुत महंगी है। और अभी कोई लैम्बोर्गिनी यहाँ पे नहीं है गाइज़, क्योंकि ना अभी वो ना मतलब लेके आएगा, अभी उसको ना बहुत पैसे तो हैं उसके पास, लेकिन अभी वो सोच रहा है गाइज़। अभी ना बहुत सारी कार यहाँ पे आना बाकी है, और ना अभी ना पूरा काम हो रहा है इस शोरूम पे, पूरा चेंज वेंज होगा। और गाइज़ देखो ये है बुगाटी, भाई साहब बुगाटी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ इसके शोरूम पर बुगाटी भी है फिलहाल। तो गाइज़ बुगाटी और गाइज़ जो मैं कार की बात करता ना कंसेप्ट कार की, गाइज़ वो रही खड़ी। तो ये वाली कार हम लेने वाले हैं, देख रहे हो भाई लुक देखो यार कार का, अरे अरे भाई आगे गाइज़ देखो मर्सिडीज़ ब्रांड का लोगो है बड़ा सा, मगर भाई ये क्या चीज़ है मतलब क्या कार बना रखी है गाइज़। मेरे को ना पूरे लॉस सैंटोस में ये कार कहीं मिली नहीं, मतलब किसी के शोरूम पे बिल्कुल नहीं मिली, बस ये मिली जो है ये टेक्नो भाई के शोरूम में मिली है। भाई ऐसी कार तो सिर्फ टेक्नो भाई ही ला सकते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्लासिक कार है गाइज़। देख रहे हो इसके व्हील देखो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब पता नहीं कितने आगे, मतलब फ्यूचर की कार है भाई ये, फ्यूचर की मतलब अभी भाई ऐसी कार तो मैं देखी नहीं आज तक, मतलब ऐसी कार आपने देखी है मतलब रियल लाइफ में भी, वो भी गाइज़ मर्सिडीज़ ने बनाई है भाई, देख रहे हो ये लुक है कार की। तो गाइज़ ये वाली कार हम लेने आए हैं आज, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे एक और कार खड़ी है ब्लू कलर की है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन गाइज़ मेरे को तो ये कार चाहिए। गाइज़ अभी ना ये शोरूम था इनका, और अभी हम जाने वाले हैं इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, देखते हैं वहाँ पर क्या है। मैंने सुना है कि ना एक ना हेलीपोर्ट भी है, मतलब हेलीपैड भी है इस शोरूम के ऊपर, तो देखते हैं एक बार 1 मिनट। तो गाइज़ यस हेलीकॉप्टर भी रखा गया है यहाँ पर, और हेलीपैड भी है। और गाइज़ यहाँ पे पूरी मतलब पार्टी वार्टी चल रही है, मतलब बंदे ने ठीक बोला था
कि भाई यहाँ मैं सोच रहा था कुछ पार्टी वार्टी करने के लिए, भाई यहाँ पर पार्टी ही हो रही है भाई। वो भाई साहब यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं? अच्छा तो मतलब ना ये वो लोग होंगे जो यहाँ पे ना शोरूम में आते होंगे कार वार देखने ना, तो अगर पार्टी वार्टी मतलब कुछ खाना पीना हो तो कुछ बीच बीच भी है भाई। स्विमिंग पूल बना रखा बंदे ने, ओ तेरी भाई, गुड भाई गुड भाई, अपने घर पे बना रखा सब कुछ भाई, जुगाड़ पानी से ही तगड़ा किया हुआ है। और भाई व्यू देखो गाइस यहाँ का कितना मस्त है। अरे हट जाओ मैडम, अरे भाई ये टेक्नो बाइक की ना वाइफ है तो इनको छेड़ते नहीं है बिल्कुल भी, छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी यार। ओए होए भाई यहाँ तो मतलब ये क्या है, मतलब ये पार्टी एंजॉय करने हैं, कार खरीदने आए थे भाई। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, ब्लू ब्लू पानी है, पेड़ पेड़ उगा रखा है बीच में। तो भाई शोरूम मुझे बहुत अच्छा लगा यार, नंबर वन का भाई काम किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात भाई ये है कि यहाँ पे एक ना शोरूम के ऊपर एक हेलीपैड भी गाइस, अगर कोई बंदा मान लो जैसे कोई मुकेश अंबानी टाइप कुछ अगर शोरूम में आना चाहता है ना, या कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर बंदा, और भाई वो बंदा ना हेलीकॉप्टर सीधा यहाँ पर लैंड कर सकता है भाई। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो सकती है यहाँ पर, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई। बंदे ने पूरी मतलब पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर पूरा बना रखा सिस्टम तगड़ा भाई, मानना पड़ेगा भाई। तो गाइस वीडियो लाइक कर दो यार टेक्नो भाई के लिए, एक तो बंदे ने क्या शोरूम बनाया रखा तगड़ा। तो गाइज़ अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है इस शोरूम में, तो जैसे जैसे वो अपने वीडियो में बता रहे हैं अभी ना काम चल रहा है। और गाइज़ देखो ये वाली कार में लेने आए, तो गाइज़ फटाफट मैं जाता हूँ टेक्नो भाई से मिलके, इस कार की पूरी पेमेंट करता हूँ और गाइज़ जो इसका पेपर वर्क कम्प्लीट करता हूँ, फिर यहाँ से कार को लेकर निकलता हूँ। तो चलते भाई टेक्नो भाई के पास फटाफट। लो भाई ये फाइनली मैंने सारे पेपर वर्क कम्प्लीट कर दिया भाई, पूरी पेमेंट मैंने उसको कर दी है टेक्नो भाई को। ऐसे तो वो बोल रहा था भाई पेमेंट की क्या जरूरत है, पेमेंट बाद में भी दे सकता तो, लेकिन गाइज़ ये रही भाई पेमेंट अपनी जगह है और फ्रेंडशिप अपनी जगह। तो गाइज़ ये देखो कैसी लगी कार आपको। तो गाइज़ मैं फाइनली इस कार को यहाँ से लेने आया हूँ, अब निकालता हूँ यहाँ से फटाफट। तो गाइज़ वीडियो लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब, फटाफट कार को बाहर निकालते हैं। इसकी टॉप स्पीड भी अभी हमें चेक करनी है यहाँ पे कितनी इसकी टॉप स्पीड होगी। गाइज़ मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट निकालते हैं इस कार को बाहर शोरूम से। भाई साहब आराम से गाइज़ आराम से निकालते हैं। और भाई बहुत ज़्यादा महंगी कार है भाई। तो गाइज़ अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कार आने वाली है, तो इससे पहले मैं यहाँ पे ये वाली कार लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे नॉर्मल कार बहुत सारी है इसके पास, लेकिन गाइज़ नॉर्मल कार ना बहुत ज़्यादा सस्ती आ जाती है। और गाइज़ अभी है ना लैम्बोर्गिनी भी लेके आने वाला है, तो मैंने बोला भाई कोई न्यू लैम्बोर्गिनी लेके आए तो मुझे बता दियो। तो फिलहाल तो मैं ये मर्सिडीज़ ब्रांड की एक कंसेप्ट कार लेने आया हूँ। तो गाइज़ ये भी कार ना उसको किसी ने ना मतलब ना बेची थी, और फिर इसने थोड़ी सी इसमें मॉडिफाई की है और फिर मेरे को ये बेच दी। तो गाइज बहुत अच्छी कार है, लेकिन भाई मेरे से ना अभी कंट्रोल में थोड़ी सी दिक्कत थी हो रही है, लेकिन कोई नहीं फटाफट लेके चलते हैं इस कार को बाहर। ओ ये रहा भाई, अरे भाई कहाँ था तू? चलो भाई फिर हम इसको लेके चलते हैं बिठा के अपने टेक्नो भाई को इस कार के अंदर। आजा भाई। तो भाई हम जाने वाले हैं टेक्नो भाई के साथ, अब इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो कार बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो भाई साहब कार क्या मस्त है यार, देखो भाई क्या लुक है कार का यार। तो गाइस मैं एक बार आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ, अंदर का व्यू। तो भाई साहब ये देखो ये इसका अंदर का व्यू है, मर्सिडीज ब्रांड का लोगो भी है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा इंटीरियर व्यू, लेकिन गाइस बहुत अच्छा भाई लुक है गाइस कार की, तो मस्त लग रही है। तो गाइस ओए भाई आराम से भाई आराम से। तो गाइस इसकी टॉप स्पीड क्या होने वाली है मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मैं इसको लेके जाने वाला हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पूरा आज बंद है, तो गाइस मैं वहाँ पे इसकी टॉप स्पीड करने वाला हूँ चेक। ठीक है तो फटाफट चलते अपने एयरपोर्ट में, अभी लोकेशन कर लेता हूँ वहाँ पर मैप के अंदर। और भाई हट जा भाई, बहुत महंगी गाड़ी भाई, बहुत महंगी गाड़ी। लो गाइस फाइनली हम एयरपोर्ट के बहुत पास वाले रोड पर आ चुके हैं, बस अब हमें एंट्री करनी है यहाँ से। तो एयरपोर्ट हमारे सामने ही है, फटाफट एंट्री कर लेते हैं यहाँ से। वन मिनट। तो गाइस वो रहा एयरपोर्ट का गेट, मेन गेट, वहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। तो बहुत महंगी वाली गाड़ी लेके आ गए भाई। तो हमारे साथ भाई टेक्नो भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो वन मिनट यहाँ से, नहीं ये वाला नहीं, ये तो एग्ज़िट का यहाँ से गाइस। वन मिनट ठीक है, चल भाई खोल दो फटाफट। अरे खोल के मानोगे या तोड़ के जाओगे? तो गाइज फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर। गाइज़ यहाँ पे हम इसकी टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। तो गाइज़ अभी तक मुझे पता, आपने नीचे कमेंट कर दिया होगा कि कितनी टॉप स्पीड होने वाली है इस कार की। तो फिलहाल देखते हैं गाइज़ 100 तो ये मतलब 2 सेकंड में पकड़ रही है। तो गाइज़ देखते हैं भाई टॉप स्पीड कितनी है। और हमारे साथ भाई टेक्नो भाई भी आ चुके हैं इस कार के अंदर बैठे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये। तो अपनी कार को यहाँ पे खड़ी करते हैं, आगे से हम स्टार्ट करेंगे इसकी टॉप स्पीड चेक करना। तो गाइज़ मैंने साइड में ना स्पीड मीटर भी दिया हुआ है, आप उस पर ना अब इसकी स्पीड ना वो कर लेना चेक। ठीक है तो फटाफट मैं कार को यहाँ लगाता हूँ फाइनल। ठीक है तो कार से उतरते हैं फटाफट। गाइज़ मैं एक बार कार की लुक आपको फिर दिखा दूँ। गाइज़ वो देखो वो बंदा आया हुआ मेरे साथ टेक्नो भाई, तो भाई साहब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइज़ ये देखो भाई इसी बंदे की शोरूम में भाई। तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज़ देखो ये कंसेप्ट कार है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त लगी मेरे को ये वाली कार है ना।
और गाइज आपको कैसी लगी कार मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, और गाइज मेरे को नेक्स्ट कार बाइक कौन सी लेनी चाहिए मेरे को ये भी अपडेट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज अब हम इसकी टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं, तो गाइज हमारे साथ है टेक्नो भाई, तो एक साथ बैठ के इसके हम बैठने वाले इस कार के अंदर और गाइज इसकी टॉप स्पीड चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। लो भाई मैं बैठ चुका कार के अंदर और भाई हमारे टेक्नो भाई भी बैठ चुके हैं, अब फटाफट गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने नीचे साइड में ना स्पीड मीटर दिया हुआ है, आप उसको देख लेना गाइज इसकी टॉप स्पीड कितनी होने वाली है। तो गाइज ये रही लाइन और मैं इसी लाइन से स्टार्ट करने वाला, तो गाइज 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई साहब गाइज बहुत तेज भागने वाली है कार, मुझे लग रहा है ऐसे फीलिंग आ रही है और 100 पार हो चुके भाई साहब। तो भाई क्या मानना पड़ेगा भाई क्या कार है, तो भाई 200 भी पार, ओ भाई 230 हो गई, ओ तेरी भाई ब्रेक भाई 237 ब्रेक भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई साहब गाइस भाई टेक्नो भाई क्या कार बनाई है तूने, मस्त भाई क्या कार मॉडिफाई करवाई है तगड़ी। ओ भाई साहब भाई ये फ्यूचर कार है भाई तगड़ा कुछ भी कहो। तो गाइस देख रहे हो क्या कार दिए भाई ने यार टेक्नो भाई, मानना पड़ेगा। तो गाइस कार के लिए एक लाइक तो बनता है, आपने गाइस इसकी टॉप स्पीड देख ली होगी स्पीड मीटर में, तो गाइस मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसकी टॉप स्पीड कितनी थी, क्योंकि भाई मैं तो ब्रेक मारने चक्कर में इसकी टॉप स्पीड मैंने बिल्कुल नहीं देखी यार, मेरे ख्याल से 230 के प्लस थी, लेकिन मुझे पता नहीं भाई कितनी थी यार, मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में गाइस कितनी स्पीड थी इसकी। और भाई कंसेप्ट कार है, तो गाइस फटाफट बाहर निकलो यार, टेक्नो भाई क्या कार दिए यार तूने, मेरे को मानना पड़ेगा कार बहुत मस्त दिए भाई। तो भाई साहब हमारे साथ है टेक्नो भाई, तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और भाई कार बहुत अच्छी दी है। तो गाइस आपको कार कैसी लगी मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, और मेरे को नेक्स्ट कार कौन सी लेनी चाहिए मेरे को ये भी बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और इससे भी ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, बाय बाय।